तो तुम्हारी दिया बेटा उसका गुच्छी का मिलती सर इनको क्यों है ना मिलती ना। तो 10-15 बच्चे आप लोग डेली आते हो, 4-5 किलोमीटर आना, 4-5 किलोमीटर जाना, छठी से 12वीं तक के हैं। बढ़िया बर्फ कैसी थी इस साल? काफी पड़ी तो बर्फ में भी दिक्कत होती होगी आने में? अच्छा ठीक ठीक ठीक। इस रास्ते पे पड़ गई थी जी सर? इधर पड़ी खूब थी। अच्छा जी अच्छा बढ़िया। चोरालानी प्यूनल दोनों जगह के लिए यही रास्ता है? अच्छा प्यूनल से चढ़ाई तो है। हाँ तगड़े तगड़े पेड़ बर्फ से उखड़े ही है। हाँ ये हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे रास्तों पे आते हैं प्रतिदिन पढ़ाई के लिए। हाँ तो बर्फ में भी चले भाई तुम इस रास्ते पे? कब? अभी भालू भी है शेर भी मिला तुम लोगों को भी कभी? अच्छा भालू मिले, कैसे बचते हो फिर उनसे? शोर मचा लेते हो भालू? अच्छा शेर भी ऐसा नहीं, शेर ये नहीं होता सर, डरपोक है अभी। अच्छा बकरी बकरी को तो मार देते होंगे, बकरी गाय गाय वगैरह? हाँ अच्छा। ये सामने प्यूनल गांव जहाँ जाना है हमें, और उधर फिर वो है चोरालानी गांव। ना ना मुंडोल मुंडोल, यहाँ के बाद उधर जाएंगे। आज ये दोनों हमारे अंतिम छोड़ गए स्कूल विकास खंड के, लास्ट चोरालानी प्यूनल आज इनका भ्रमण। साथ में हमारा छात्र कक्षा नौ का जो डेली प्यूनल गांव से मुंडोल आते हैं पढ़ने के लिए पैदल पैदल 10-15 बच्चे, ये हमारे गाइड, उनको अपने गांव तक ले जाएंगे। वहां से तो फिर हम चल देंगे। रास्ता इनका कठिन है, डेली आना पड़ता है इनको 6th के बाद, क्योंकि स्कूल मुंडोल में ही है तो 6th के बाद इनको यही आना पड़ता है डेली पैदल। हाँ ये बात है। और शिकारी भी ऐसे इस पे कोई में वो करेगा सर, हाथ लगा के बैठेगा शिकारी होता है। हाँ तो बिल्कुल उसमें बैठेगा किले में ना, बिल्कुल कोई जान लगा रहा है। हाँ तुरंत वो अकेले के आने का मतलब का रास्ता तो नहीं है ये, नहीं। है ना? कभी कभी तुम लोग फंस जाते हो गए अकेले भी आते रहते हो? कभी रात को भी आना हुआ? रात को तो नहीं ना, अंधेरा होने के बाद। हाँ अंधेरे के बाद तो या तो वे चांदनी हो रहा था 2-4 आदमी तब तो फिर भी सोच सकते हैं। हाँ ऐसी जगह तो बिल्कुल ही अंधेरा। हाँ 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 आज 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 राम राम जी, हो ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। अच्छा हम पहुंचे हैं अभी प्यूनल गांव, ये मुंडोल से लगभग 1 घंटे का पैदल रास्ता नॉन स्टॉप अच्छी रफ्तार से। हमारा विद्यार्थी, हमको उसके साथ चलना है तो
फटाफट खींच के लाया हमको जो इसका गांव प्यूनल चक्रोता ब्लॉक का दुर्गमतम गांव। हमारे सीआरसी साहब हमारे साथ गोविंद जी का एक क्षेत्र ये तो यहाँ चुनी से भी आए हुए हैं पैदल बर्फबारी के दौरान। इनका भी सामने गांव दिखता है कुल्हा। बहुत कठिन जीवन लोगों का यहाँ, लेकिन घर बड़े अच्छे बने हुए सुंदर हिमाचल पैटर्न के घर देखने में अच्छा। एक बहुत ही हमारा इंटीरियर गांव। नमस्ते जी। नमस्ते। और ठीक हो? ठीक। चलो भाई स्कूल चलो। आंगनवाड़ी नहीं जाती है? आंगनवाड़ी है गांव में? यहाँ नहीं आंगनवाड़ी? हिमाचल से मेहमानी में? अच्छा, जय हो महाराजी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा जी, महाराज देवता मंदिर है। बढ़िया जी, घर तो अच्छे बने हुए सब बढ़िया। पुराने समय के अनाज के कोठार, इनमें अनाज वगैरह रखते थे। अच्छी हाइट पे ये स्कूल हमारा, अच्छी चढ़ाई। एक जमाने में तो चुनी से पैदल के रास्ते से पूरे पूरे दिन का काम रहता होगा पैदल चलने का। गांव से प्यूनल स्कूल के रास्ते में एक खड्ड, और लग रहा है बरसात में काफी पानी आता होगा यहाँ पे, वो देखभाल के जाने का काम है। लेकिन जगह बहुत दूर थी स्कूल के लिए, तो गांव में ही ठीक थी, बिल्कुल बाहर एकांत से मेरी जगह दीदी है। और हम अभी अपने स्कूल प्यूनल अंतिम छोर पे, इसके बाद हिमाचल की सीमा शुरू हुई हमारा देहरादून जिले का चक्रोता ब्लॉक त्यूनी तहसील। हमारी कहीं सर बालू है उधर, वापिस चलो। ओ नोटियाल जी, प्रणाम प्रणाम, ठीक ठाक हो? पहुंच गए आपके यहाँ भी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ओ ठीक हो? सिट डाउन। अभी 12:30 का टाइम, और हमने प्यूनल गांव का भ्रमण करके और अब हम निकल पड़े हैं दूसरा हमारा अंतिम छोर का जो स्कूल है चौरालानी, इससे भी ज़्यादा हाइट और थोड़ा दूर, वहाँ के लिए। हम पहुंचे अभी चौरालानी गांव, देहरादून जनपद की सुदूरतम तहसील त्यूनी का ये अंतिम गांव। पैदल का रास्ता मुंदोल से, हम पहले मुंदोल से गए त्यूनल और वहां से आए चुने। बहुत इंटीरियर क्षेत्र है ये, अभी तक सड़क का प्रावधान नहीं है, लकड़ी के बहुत पुराने पुराने। इनका क्या यूज है भाई इन घरों का? बकरियों का है ये। बहुत बढ़िया। कितना पुराना होगा ये बना हुआ? 100-200 साल। चौरालानी के पास। ओ गौर साहब कैसे हो? ठीक ठाक। बहुत अच्छी है।
अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। हम पहुंचे हैं चौरालानी, बहुत बढ़िया भाई गौर साहब, आपने देहरादून जिले का। गुड आफ्टरनून बच्चों, आपने वो संभाल रखा अंतिम छोर। सिट डाउन, सिट डाउन, बहुत बढ़िया, वेलकम सर, धन्यवाद। शाबाश शाबाश, ऐसे भी तो बोलना पड़ता है।